हेलो ऑटोफिक्शनर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल, इंडियन ऑटोमेकर्स आजकल काफ़ी तरह तरह की एसयूवी बना रहे हैं, लेकिन इंडिया मेड कार्स को थोड़ा कम आंका जाता है इंटरनेशनल मेड गाड़ियों से या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स से। लेकिन इंडियन मेड एसयूवी हमारी इंडियन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इस्तेमाल करती हैं। और हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि थाई आर्मी ने टाटा मोटर्स को 600 मिलिट्री ट्रक्स का ऑर्डर दिया है, तो वही सुन के मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए ऐसे मेड इन इंडिया व्हीकल्स पर जो फॉरेन कंट्रीज़ में मिलिट्री और पुलिस फोर्स यूज़ करती हैं। और ये काफ़ी गर्व की बात है कि इंडियन मेड गाड़ियाँ भी बाहर किसी देश में उनके मिलिट्री व्हीकल या पुलिस व्हीकल के तौर पर यूज़ करी जाती हैं। तो ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटोफिक्शन। टाटा हेक्सा बांग्लादेश। टाटा मोटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था बांग्लादेश की तरफ से कि वो अपनी एसयूवी हेक्सा को बांग्लादेश आर्मी को सप्लाई करे और वो उसे बांग्लादेश आर्मी का ऑफिशियल व्हीकल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेड इन इंडिया गाड़ी अब बांग्लादेश का ऑफिशियल आर्मी व्हीकल है। टाटा मोटर्स ने उस पर काफ़ी तगड़े टेस्ट करे थे कई महीनों पहले से ही, जब तक बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया। टाटा ने 200 हेक्सा एसयूवी बांग्लादेश आर्मी को दी उनकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए। महिंद्रा एक्सयूवी 500 साउथ अफ्रीका। महिंद्रा एक्सयूवी 500 से सबसे पहले पर्दा 2011 में उठा था और उस वक्त ये उस समय की सबसे फीचर लोडेड एसयूवी थी अपनी प्राइस रेंज में, और इसी वजह से इसकी इतनी डिमांड हो गई थी कि महिंद्रा को इसके लिए लॉटरी सिस्टम निकालना पड़ा था कि कार किसको डिलीवर करी जाए सबसे पहले। और महिंद्रा एक्सयूवी 500 को कई देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ और जगह भी। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये पुलिस पर्सनल्स यूज़ करते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और ये साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल कॉप कार है। ये वहाँ W8 ट्रिम में मिलती है जिसमें फोर व्हील ड्राइव सिस्टम होता है। और अगर आपको एक्सयूवी 500 के कुछ और इंटरेस्टिंग राज जानने हैं तो उस पर भी मेरी एक वीडियो है जो आप राइट हैंड साइड आई बटन में से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। महिंद्रा इन्फोर्सर फिलीपींस। महिंद्रा की एक और गाड़ी जो किसी बाहर देश की पुलिस यूज़ करती है, महिंद्रा इन्फोर्सर और महिंद्रा कैंपर, जो महिंद्रा का पिकअप ट्रक है और काफ़ी शानदार भी, लेकिन ये इंडिया में आपको काफ़ी कम देखने को मिले, सिवाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI के लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन साउथ एशियन कंट्री फिलीपींस में ये वहाँ की पुलिस फोर्स यूज़ करती है। और 2015 में फिलीपींस ने महिंद्रा से 1470 यूनिट यानी कि 1470 यूनिट्स महिंद्रा इन्फोर्सर के खरीदे थे 1.3 बिलियन पीसों में। पीसो फिलीपींस की करेंसी का नाम है, जैसे अपना रुपीज़ है। टाटा सफारी स्ट्रोम अल्जीरिया। टाटा सफारी इंडिया में 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी और टाटा सफारी टाटा की आखिरी कार थी हाल ही में जिसे डिसकंटिन्यू करा गया था पिछले साल ही। और इस कार के दीवाने बहुत हैं अभी भी इसकी लुक्स और जिस तरह की ये राइड क्वालिटी ऑफर करती थी उस वजह से। इसी कारण से ये इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है और यहाँ तक कि अल्जीरियन पुलिस डिपार्टमेंट भी। ये अल्जीरियन पुलिस की मेन कॉप कार है और इस लेजेंड कार पर भी एक अलग से वीडियो है जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, उसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। महिंद्रा स्कॉर्पियो मालदीव्स। महिंद्रा स्कॉर्पियो को अभी हाल ही में BS6 कंप्लाइंट इंजन मिला है और इंडियन मार्केट में ये कार पिछले 18 सालों से है और अभी इसकी चमक बिल्कुल वैसी ही है और आज भी पब्लिक इसे काफ़ी पसंद करती है। और इसके रिलायबल इंजन और कैपेबल ड्राइव ट्रेन की वजह से स्कॉर्पियो को हमारे इंडिया की पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, तो इसलिए ये मालदीव पुलिस भी यूज़ करती है। वो इसका फोर व्हील ड्राइव वर्जन यूज़ करते हैं और इसका पावरफुल इंजन होना, कंफर्टेबल कैबिन होना और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और अफोर्डेबिलिटी इसको बाहर कंट्रीज में भी फेमस बनाकर रखे हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो फिलीपींस। हाँ जी, महिंद्रा स्कॉर्पियो बाहर भी काफ़ी फेमस है। फिलीपींस में महिंद्रा इन्फोर्सर के अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो भी यूज़ होती है। वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने महिंद्रा स्कॉर्पियो के 398 यूनिट्स ऑर्डर करे थे 2016 में फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 394 मिलियन पीसों में। महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे इटली। महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे एक पिकअप ट्रक वर्जन है स्कॉर्पियो का। देश में ये जब लॉन्च हुई थी जब पिकअप ट्रक इंडिया में इतने फेमस नहीं थे या इतने नहीं हुआ करते थे
और ना इनका यूज होता था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के लिए यह सच में काफी फायदेमंद रही। इसी तरह इसकी अटेंशन इटालियन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भी पड़ी, क्योंकि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो गेटअवे को बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, तो इटली में ये स्कॉर्सो अल्पिनो द्वारा यूज करी जाती है, एक सिक्योरिटी फोर्स जो अल्प्स रीजन में ऑपरेट करती है, इसलिए इसे इटली में भी पेट्रोलिंग करते हुए देखा जा सकता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो श्रीलंका। मैंने कहा ना कि स्कॉर्पियो बहुत फेमस है इंडिया से बाहर भी, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी ये यूज होती है। श्रीलंकन पुलिस महिंद्रा स्कॉर्पियो इस्तेमाल करती है। श्रीलंका पुलिस ने 485 यूनिट यानी 485 यूनिट्स खरीदे थे स्कॉर्पियो के एलेक्सट्रीम के। महिंद्रा इन्फोर्सर भूटान। और महिंद्रा इन्फोर्सर सिर्फ फिलीपींस में ही नहीं बल्कि भूटानी सिक्योरिटी फोर्स भी महिंद्रा इन्फोर्सर का इस्तेमाल करती है। महिंद्रा इन्फोर्सर बोलेरो पर ही बेस्ड है और ये वहाँ फोर्स लैंडर 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है जो प्रोड्यूस करता है 100 हॉर्स पावर 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और वहाँ इसका फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल है। यही थी मेड इन इंडिया गाड़ियाँ जिन्हें 7 देशों की पुलिस और आर्मी यूज़ करती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो बोलते हैं कि इंडियन गाड़ियाँ फॉरेन गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उन्हें भी दिखाएं अपने मेड इन इंडिया गाड़ियों का जलवा। और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।